अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार, दो दिन की ब्रेक ले ली थी क्योंकि भाई डेली व्लॉगिंग ना होती है और ना ही डेली एडिटिंग होती है। खैर, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्प्रिंग 2023। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्प्रिंग में भी खुलते हैं एडमिशन्स, तो यार कुछ डिग्रीज के एडमिशन्स फॉल में भी और स्प्रिंग में भी दोनों खुलते हैं, लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिनके एडमिशन्स खाली फॉल में खुलते हैं और स्प्रिंग्स में नहीं खुलते। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एडमिशन है वो खाली फॉल में खुलते, स्प्रिंग में नहीं खुलते। खैर, बातों की बात एक तरफ आते हैं अपने पॉइंट पे। देखो, फॉल में जो हमारे पास होता है ना मेरिट, वो होता है थोड़ा हाई। स्प्रिंग में मेरिट होता है थोड़ा सा लो, थोड़ा लो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इतना लो नहीं होता कि आप लोग भाई 50% आपका मेरिट बन रहा है और आप दोस्तों कह रहे हो यार उस्ताद फॉल में तो नहीं हुआ मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, स्प्रिंग में तो कन्फर्म में हो जाएगा। तो ये आप सबकी बहुत बड़ी भूल है। खैर, आप में से बहुत से लोगों का जो मेजर सवाल होता है वो ये भी होता है कि कितनी मेरिट लिस्ट इशू होती है। यार, ये लोगों पे डिपेंड करता है। अगर इनका मूड होता है तो यार ये 3 मेरिट लिस्ट भी दे देते हैं, अगर इनका मूड होता है तो खाली 1 मेरिट लिस्ट को ही कहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट है। फॉल में भी यही हुआ था कि हमारी 2 मेरिट लिस्ट इशू हुई थी और जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी वो फाइनल मेरिट लिस्ट थी, जबकि स्प्रिंग में भी यही हुआ कि 2 मेरिट लिस्ट इशू किए हैं इन्होंने और दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट करार दी है। और मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि इन्होंने जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दी होगी अभी तक, जब तक मेरी वीडियो डल रही होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। खैर, मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। डिटेल ये है कि यार कुछ डिग्रीज ऐसी है कि जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, ये 3 ऐसी डिग्रीज है जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ इनका एग्रीगेट और मेरिट भी बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब अपना टेस्ट दे के आते हैं तो आप लोगों का टेस्ट आप लोगों के लिहाज से तो अच्छा हुआ हुआ होता है, लेकिन उसमें रोला ये होता है कि आप लोग जब टेस्ट दे के आते हैं तो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आप लोगों के नंबर जो है वो उस लिहाज से अच्छे हैं या नहीं है। और जो मोस्ट मेजर सवाल होते हैं जो आप में से बहुत से लोगों का होता है वो ये होता है कि यार हम अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट करें, हमें अपने नंबर से पता है FSUE के, FSUE होता है, FSC नहीं होता। इसके बारे में डिटेल लंबी वीडियो बनाएंगे, FSUE में कितने नंबर है, मैट्रिक में कितने नंबर है और आपके NTS में कितने नंबर है, तो इसका मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यार आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर को डालो बाढ़ में, ठीक है। अब करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने जाना इंटरनेट पे, गूगल पे लिखना है, गूगल का तो पता ही होगा, इतने तो ना समझना बनो ना नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गूगल पे आप लोगों ने लिखना है कॉमसेट यूनिवर्सिटी मेरिट कैलकुलेटर। अच्छा, वहाँ पर जाएंगे, आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मतलब आपके FSUE के नंबर मांगेगा, नॉट FSC FSUE के नंबर मांगेगा, मैट्रिक के नंबर मांगेगा, NTS मांगेगा और आपका एग्रीगेट बन जाएगा। ये आपका मेरिट है कि आप कितने मेरिट पर लाए कर रहे हैं। फर्स्ट करें, आपका मेरिट बनता है 71.42। अब मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ, मज़े की बात यह है कि फॉल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट था वो 81 कुछ था। फॉल की दोनों मेरिट लिस्ट में सॉफ्टवेयर का मेरिट सेम रहा, बिल्कुल भी नहीं गिरा, पॉइंट भी नहीं गिरा। जबकि हमारे पास स्प्रिंग के एडमिशन्स में भी दोनों मेरिट लिस्ट में वही सेम हमारे पास मेरिट रहा 81 को, जो कि फॉल में था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वही सेम स्प्रिंग में भी रहा और एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आया। तो अगर आप कुछ पॉइंट से रह रहे हो तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज में ये उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका एग्रीगेट बन जाए 70s में और अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार चलो फॉल में तो आया नहीं, स्प्रिंग में तो फॉर श्योर आ जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो और आप उम्मीद भी गलत लगा रहे हैं। अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट हो रही है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो रही है स्प्रिंग 2023 कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये जो आपको मेरिट लिस्ट हो रही है, ये मेरिट लिस्ट हो रही है सेकंड मेरिट लिस्ट, विच इज द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्प्रिंग 2023। ये बात आप लोगों को याद रहे कि कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि खाली फॉल में खुलती हैं, स्प्रिंग में नहीं खुलती। एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आपने फॉल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और फॉल में फर्स्ट करें आपके NDS के नंबर 50s में थे और आपका जो एग्रीगेट बन रहा था वो बन रहा था कोई 70s में अराउंड, और आपने सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना था, तो यार सॉफ्टवेयर में अप्लाई आप फिर भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, स्प्रिंग में और फॉल में जब एडमिशन खुलते हैं तो 4 महीनों का गैप होता है, मतलब 4 महीनों के बाद स्प्रिंग में एडमिशन खुलते हैं, और NTS हर महीने कंडक्ट होता है। तो आप अगले महीने NTS देते हैं, चलो उससे अगले महीने NTS देते हैं, आपके पास 3 महीने 3.5 महीने फिर भी हैं NTS दे के इंप्रूव करें, सॉफ्टवेयर में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो गलती लोग क्या करते हैं, लोग उसी रिजल्ट पर लिलाए करते हैं और उसी को आगे प्रोसीड करते हैं कि यार मैं तो इसी रिजल्ट के साथ स्प्रिंग में भी अप्लाई करूंगा, जबकि NTS आप हर महीने दे सकते हो। अगर आपका NTS इंप्रूव हो जाता है तो आपके लेटेस्ट नंबर काउंट होते हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।